वो कहते नहीं है भाव, कहते ए भाव टपर टॉप टपर टॉप टपर टॉप, उसी तरह ये सिलाई भी देते टपर टॉप टपर टॉप टपर टॉप। और इनका भाई भी, इनका इनका खाना अलग है, इनका भाई का अलग है। अब मैं तुम्हारे वजह तुम्हारे ऐसे छोड़ के मैं तुम्हारे भाई पर जाऊंगा, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो गाइस आज संडे दिन है, खाली बैठे हुए तो घूमेंगे हम इधर से उधर, लोगों को परेशान करेंगे। दिखाता हूँ कि जो मार्केट में बनते हैं गरारा, जो लड़की लोग पहन गए छम्मा 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 करती है, वो यही बना के दिखाते हैं गरारा। दिखाता हूँ मैं आपको गरारा, एक तैयार हुआ है गरारा, ये देखिए ये गरारा तैयार हुआ है, सिर्फ डाई होके फिनिशिंग होके। तो ये मार्केट में जाते हैं और मात्र 100 से 150 का लागत होता है, और यही इनको बेचेंगे 600-700 रुपये में गरारा एक। तो देखिए कितना कमाते हैं, इनको तो इनकम टैक्स वाला लेके उठा के लेके जाना चाहिए, हिसाब किताब रखना चाहिए। और ये देखिए इनने काफी लाखों रुपए का माल भर रखा है कच्चा बिल पे। नहीं ये सब मजाक कर रहा हूँ, कोई कच्चा बिल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है जो। लेकिन हाँ गरारा आपको बनवाना है तो इनसे बनाए, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन का गरारा बनाते हैं, सही कह रहा हूँ ना। और ये भारतगंज इलाहाबाद का रहने वाला है, आ रहा हूँ इनके छोटे बड़े भाई के यहाँ, देखता हूँ वहाँ क्या बन रहा है। आज संडे है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ चल के देखता हूँ। तो चलते हैं बबलू भाई के यहाँ, ये हमारे सुब्राती भाई के भाई बबलू भाई, और कारखाना में देखिए छुट्टी मना रहे हैं, कोई नहीं लेकिन इन सब मिलने के लिए खास तौर पर है, यहाँ लोग संडे मना रहे हैं बबलू भाई के यहाँ। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है बबलू भाई, तो चलते हैं यहाँ से भाई। ये देखिए बिल्कुल कारखाना से बिल्कुल ताला पड़ा हुआ, संडे है तो सब कारीगर छुट्टी पे है, और हमारे बबलू का मास्टर अकेले बैठे हुए, ये भी अब निकलेंगे इधर उधर घूमने के लिए। तो चलते हैं यहाँ से फिर। अल्फिया का बैग लाया हूँ, देखिए नया बैग लाया हूँ, तो कितना अच्छा दिख कूद रही है, देखो बैग तो ये देख सकते हैं, न्यू बैग लाया अल्फिया का, कैसा लगा बेटा? अच्छा। और पापा को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए। तुम्हारा फेवरेट कलर है ये, और बताओ अभी बैग के बारे में। तो देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ बैग, ये है यूनिक बैग, बैग है और वाटर प्रूफ भी है, जो अल्फिया के लिए बहुत पसंद है। अल्फिया ने खुद से पसंद किया था कि मुझे ऐसा बैग चाहिए। ये पहले अल्फिया का ये बैग देखिए पुराना हो गया था, ये पुराना बैग हो गया था बेबी डॉल वाला, ज़्यादा ही पुरानी नहीं लेकिन बहुत जल्दी फाड़ देती थी, गंदा कर देती थी। तो अब ये नया लाया हूँ, तो इसे पिंक पसंद ज़्यादा है इसलिए पिंक लाया। ये पुराना बैग और ये न्यू बैग, और ये लड़की हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ये देखिए देखिए कितना खुश हो रही है। देखते हैं ये देखिए बैग को भर के अपना कॉपी किताब डाल लिए, और ये देखिए खाली हो गया तो फेंक फाँक दिए, देखिए लड़की को, ये देखिए ये देखिए ये देखिए खाली बैग को तो बाय बाय पूरा खाली कर दिए। देखिए ये देखिए आप खराब मत करते, जो कभी काम तो आ सकता है ना। और देखिए वो बैग को वहाँ भर के अपना वहाँ न्यू बैग को रख ली पूरा, और देखिए चूम रही है लड़की, नहीं करते इसे। आज मेरे छोटा भतीजा है, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने अपने बच्चे को केक लाने भेज दिया, तो सोचता हूँ उसके लिए कुछ खिलौने भी ले लूँ। तो चलते हैं लेके देखते हैं कैसे मिलता है, छोटा बड़ा ले लेंगे केक तो दे ही रहे, तो छोटा खिलौने भी दे देंगे, क्या कहती हो? लेना जरूरी है? नहीं। आई क्योंकि आपका छोटा भाई है? ना। आई? हाँ, ना। आई? हाँ ना, हाँ ना। अरे ये लड़की पागल हो गई। खाना खाना ना ना खाना ना ना खाना नानी पानी पागल हो गई। तो हमने दो कार ले लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, बाहर दिखाना अच्छा लगता है नहीं। तो छोटे छोटे खिलौने सस्ते ले लिए हैं, और उसके रीज़न क्या है ये मैं घर जाके बताऊंगा। देखिए हमने केक लिया है, और ये दो टॉयज लिया है, छोटे छोटे कार। छोटा लेने का रीज़न ये है, रीज़न ये है कि बच्चे बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, इसलिए मैंने महंगा नहीं लिया, सस्ता ले लिया, और साथ में केक भी ले लिया कि ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बट मैं तो जाऊंगा नहीं, जब दिखाऊंगा बच्चे लोग जाएंगे वही लोग इन्जॉय करेंगे, और मैं घर में बैठ के टीवी देखूंगा। ये बड़े खुश हो रही थी कि जाऊंगा हम वहाँ, पापा जाएंगे तो बिरयानी विरयानी सब ला के देंगे, लेकिन बट मैं जा नहीं रहा। कैसा लग रहा था? देखो ये लड़की लालची है,
साफ साफ पता लग रहा है लड़की लालची है, ये अभी से देखिए ड्रामा कर रही है। और इसमें कोई मतलब नहीं, वो पबजी में लगा हुआ है, चाकू तो यही लगा हुआ है, मैं कैसे खाऊं? चाकू यही लगा कैसे खाए? तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस पागल लड़की के बारे में कमेंट जरूर करें कि इसका हरकत अच्छी है या नहीं। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं और लोगों में शेयर करें। ये देखिए किस तरह ड्रामा कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय। मुझे भी खिला रही है।